हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू मंकी कपल्स। तो जैसा मैंने अपने अपडेट वाले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, मैं लेके आया हूँ एंशिएंट इंडियन टेक्निक्स, जिससे मैंने वेट लॉस किया हुआ है 10 केजीज का। मेरा वजन 85 केजीज हो गया था और टार्क डाइट वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा, उसकी लिंक या आई आइकॉन में आपको मेंशन होगी। वहां मैंने एक दिन में 2 केजीज वेट लॉस किया था। मेरा वेट काफी बढ़ चुका था और आई वॉज लुकिंग वेरी मच वर्स। सो आपने सेवन हस्बैंड वाली वीडियो में वो देखा ही होगा। सो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अपनी बॉडी टाइप के बारे में, आयुर्वेद इसे क्या कहता है, इस टेक्निक को अपनी इस लाइफस्टाइल में कैसे फिट करें और खुद को मोटिवेट कैसे बना के रखें। सो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मेरी बॉडी टाइप के बारे में, जिसे आयुर्वेद में दोष कहते हैं। अब हम जानेंगे कैसे कि हमारे बॉडी टाइप क्या है, तो गूगल पर सर्च करके आप जान सकते हैं व्हाट इज माय बॉडी टाइप एज पर आयुर्वेदा, और आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एक लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। तो अगर आपने हमारा लाइफ एज पर आयुर्वेदा वीडियो देखा होगा तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा दोष है कपा, और जब ये डिसबैलेंस होता है तो प्रॉब्लम सारी शुरू हो जाती है। सो चलिए जानते हैं इसमें एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ये प्रकाश नेत्रालय का वीडियो है, जिन्होंने कपा के बारे में और आयुर्वेद के बारे में काफी अच्छे शब्दों में बताया गया है। हम बात करते हैं कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण क्या होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि शरीर में कफ दोष की अधिकता ज्यादा है। गंभीर बुद्धि स्थूल अंग स्निग्ध केशो महाबल है, स्वप्ने जलाशय लोकी कफ प्रकृति को धरे। इसका अर्थ क्या हुआ? जिनकी बुद्धि बहुत गंभीर है, जो ज्यादा चिंतन करते हैं, ज्यादा गंभीरता से किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं, वो कफ दोष की वजह से ही होता है। इनकी प्रॉपर्टी होती है ऑयली स्किन, बल्की बॉडी, ओवर थिंकर, काम स्लो करते हैं बट दे डू इट इन अ परफेक्ट वे। तो कपा टाइप को क्या करना चाहिए? उन्हें सोशल एक्टिव रहना चाहिए, मतलब ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए। उनकी बॉडी बल्की होती है तो उन्हें एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए, फिजिकल मेंटल दोनों, और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 घंटे सोना चाहिए। तो अब जानते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बिल्कुल दूर रहना है, और ओवर ईटिंग नाउन बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जानते हैं उनका खाना किस टाइप का होना चाहिए। उन्हें सात्विक आहार लेना पड़ेगा, फ्रेश फूड्स खाने पड़ेंगे, और गर्म, जितना गर्म हो सके उतना गर्म चीजें खानी है। अब उन्हें क्या नहीं खाना है? सो उन्हें ऑयली नहीं खाना है, स्वीट नहीं खाना है, सॉल्टी नहीं खाना है, और हाई प्रोटीन फूड्स बिल्कुल नहीं खाना है। सो हमारी करंट लाइफस्टाइल में ये सब चीजें करना या इनका सबका एडिशन करना फिजिबल बिल्कुल नहीं था। सो मैंने लिए कुछ बेबी स्टेप्स और उनको मॉडिफाई किया अपनी इस करंट लाइफस्टाइल में। तो देखिए मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैंने सुबह 6 बजे उठना चालू किया। ऑब्वियसली इट इज हार्ड फॉर मी, बट मैंने ट्राई किया। वीक में 2 से 3 बार वॉक करने जाता था। मेरे पास डॉग है तो मैं उनको घुमाने लेके जाता था। ऑल्दो मैं थोड़ा लेजी था, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं जाऊं। सो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्वीट लवर हूँ और मैं बार बार स्वीट खाना बहुत पसंद करता हूँ, पर मैंने क्या किया अपनी लाइफ स्टाइल में, सबसे पहले उसी चीज़ को कट करना चालू किया। वंस इन ए वीक मैं बाहर का खाता था, बहुत कार्विंग होती थी तो मैं बाहर का खाता था, बट मैंने ट्राई किया कि मैं जो भी बनाऊँ मैं घर पर बनाऊँ और घर पर ही खाऊँ। सो इससे मेरा स्वीट का लिमिटेशंस चालू हो गए और मैं लिमिटेड स्वीट खाने लगा। मेरी बॉडी में जब चेंजेस आने लगे तो मेरे माइंड ने भी मुझे रिमाइंड करना चालू कर दिया कि नहीं, यू कैन अवॉइड द स्वीट्स और ट्राई करो कुछ नया। सो आपको अच्छा लगने लगता है जब आप ऐसी चीजें करते हो। और मैं एक राशि और बताता हूँ कि मेरा जो एक्चुअली वजन बढ़ा है ना, उसे पैंडेमिक के चक्कर में बढ़ा। मतलब माँ जो होती है वो आपको दिन भर खाना खिलाती रहती है, और आई वॉज ओवर ईटिंग दैट ऑल द टाइम। सो उस चक्कर में मेरा वजन काफी बढ़ गया। सो अब मैंने कटआउट किया है ओवर ईटिंग करना, क्योंकि वो कपा बॉडी टाइप के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। सो हम जैसे बॉडी टाइप वालों को खाने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ओवर ईट बिल्कुल अवॉइड करना। पर अब अगर ऐसा मेरे साथ होता है, मैं बाहर का खा लेता हूँ या फिर ओवर ईट कर लेता हूँ, सो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अगले दिन उसको डिटॉक्स करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं डिटॉक्स के लिए करता क्या क्या। तो मैं दिन भर सिर्फ लुकवॉर्म वाटर पीता हूँ, खाने में सिर्फ एक ही टाइम खाना खाता हूँ जो कि फुल्ली ऑफ वेजिटेबल खिचड़ी होता है, जिसमें 1/4 पोर्शन ऑफ राइस और बाकी सब साबुत दालें और वेजिटेबल्स होते हैं, और उनके साथ में रायता या फिर ताक बस। और ये सब मैं चीजें शाम को 7 बजे के पहले ही खाता हूँ, और ओवर ईटिंग का बहुत खास ख्याल रखता हूँ कि मैं ओवर ईटिंग ना करूँ। इन द केस अगर शाम को कभी भूख लग जाती है तो मैं रात को सोने के करीब करीब 1 घंटा पहले 1/2 कप या 1 कप दूध पीता हूँ बस। सो डे बाय डे मैं रूटीन फॉलो करता गया, इसे इम्प्रूव करता गया, और एक्चुअली नाउ आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय सेल्फ। अब रूटीन फॉलो करते करते मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं और आई गेस आई एम लुकिंग गुड नाउ, और अब मेरा वेट एक्चुअली 74 केजीज हो चुका है, और ये रूटीन फॉलो करने में मुझे अब काफ़ी मज़ा भी आ रहा है।
मैंने इसमें काफ़ी एनहांसमेंट किए हैं, जैसे मैं 3 किलोमीटर्स की रनिंग करता हूँ। फूड्स जो मैं अवॉइड करता हूँ वो है ऑयली फूड, बाहर का खाना और पैकेज फूड। ओवर ईटिंग ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। चाय मुझसे बिल्कुल अवॉइड नहीं हो पाई, तो मैंने चाय का शाम का टाइम कट कर दिया और मैं सिर्फ दिन में सिर्फ एक ही बार चाय पीता हूँ। और गलती से अगर आप ओवर ईट कर लो या फिर बाहर का खा लो तो आपको पता ही क्या करना है, आपको डिटॉक्स करनी है पूरी बॉडी, और आपको डिटॉक्स का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने ट्राई किया है अपना रूटीन आपके साथ शेयर करने का। अगर आप ऑलरेडी इस टाइप के रूटीन को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा रूटीन कैसा लगा, और कहीं आपको लगता है कि मैंने कुछ कमी की हो सो प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिए सो मैं उसको आगे अपने लिए इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपको पावर पर्सन है सो प्लीज़ ट्राई कीजिए इस रूटीन को फॉलो करके और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।